आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राम प्रसाद वर्मा आज आप लोगों के सामने स्वरचित देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वह कविता मैं शायरी अंदाज में लिखा हूं। जिस अंदाज में मैं लिखा हूं, उस अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करने में मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है वह कविता आपको अवश्य पसंद आएगी। सबसे पहले मैं देश के उन 20 शहीदों का नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो आइए सुने कविता। वीर शहीदों को नमन मैं बारंबार करता हूं, वीर शहीदों को नमन मैं बारंबार करता हूं, निज वचनों का श्रद्धा सुमन उन पर वार करता हूं। वीर शहीदों को नमन मैं बारंबार करता हूं, निज वचनों का श्रद्धा सुमन उन पर वार करता हूं। वतन के खातिर जो मिट गए वीर महान, वतन के खातिर जो मिट गए वीर महान, उन वीर शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं, उन वीर शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं। हम हिंदुस्तानी देश प्रेमी हैं, हमें अपना वतन प्राणों से भी प्यारा है। इसकी रक्षा के लिए हम हमेशा हंसते हंसते प्राणों को देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए कविता के माध्यम से देखिए हम अपने वतन से कितना प्रेम करते हैं। चांद से चकोर प्रेम जैसे अटूट करे, मोर करे प्रेम जैसे हरदम ही मेघ से। चांद से चकोर प्रेम जैसे अटूट करे, मोर करे प्रेम जैसे हरदम ही मेघ से। मेरे प्राणों से प्यारा है सबसे ही न्यारा, वैसा ही प्रेम हम करते हैं देश से, वैसा ही प्रेम हम करते हैं देश से। देखिए जहां तक देश के दुश्मनों की बात है तो देश के दुश्मन केवल बाहरी ही नहीं बल्कि कुछ आंतरिक भी होते हैं जो छिप छिप करके देश के साथ विश्वासघात करते हैं। अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए तो भला उस समय देश का क्या अंजाम होगा। आइए उसे कविता के माध्यम से सुनते हैं। हर साथ पर उल्लू बैठे तो अंजाम चमन का क्या होगा, हर साथ पर उल्लू बैठे तो अंजाम चमन का क्या होगा, अगर मां की ममता रूठे तो अंजाम ललन का क्या होगा। हर साथ पर उल्लू बैठे तो अंजाम चमन का क्या होगा, अगर मां की ममता रूठे तो अंजाम ललन का क्या होगा। अब देश की रक्षा हम पर है, अब देश की रक्षा हम पर है, पर खुद देश का दुश्मन छुपे वतन तो अंजाम वतन का क्या होगा। हिंद के जवान ताकत में कमजोर नहीं है, अगर कोई दुश्मन कमजोर समझे तो यह उसकी बहुत बड़ी मूर्खता कही जाएगी। कोई हिंद का जवान दुश्मन को ललकारते हुए अपनी ताकत कैसे बताता है, आइए सुनिए कविता के माध्यम से। हिंद के जवान वीर देश के हम शान वीर, ताकत में नहीं हम किसी से कमजोर हैं। हिंद के जवान वीर देश के हम शान वीर, ताकत में नहीं हम किसी से कमजोर हैं। हमें ना डराओ कोई, आंख ना दिखाओ कोई, लड़ते हम दुश्मन से बहुत ही बिछोड़ हैं। हिंद के जवान वीर देश के हम शान वीर, ताकत में नहीं हम किसी से कमजोर हैं। हमें ना डराओ कोई, आंख ना दिखाओ कोई, लड़ते हम दुश्मन से बहुत ही बिछोड़ हैं। अभी हमारी ताकत का ज्ञान तुझे है नहीं, अभी हमारी ताकत का ज्ञान तुझे है नहीं। बाजे जिसकी ताकत का डंका चमोर है, बाजे जिसकी ताकत का डंका चमोर है। बलियां वीरों की धरती है, इसे बागी बलियां के नाम से भी जाना जाता है। आजादी की लड़ाई में बलियां सबसे आगे रहा, मैं बलियां की वीरों की गुण गाथा आपको कविता के माध्यम से सुना रहा हूं। आइए सुनिए। जंग ए आजादी में सबसे रहा आगे, जो वीरों की धरती और शान यह बलिया है। जंग ए आजादी में सबसे रहा आगे, जो वीरों की धरती और शान यह बलिया है। बलिया के मंगल पांडे, बाघ और चितु पांडे, उनका भी जन्म स्थान यह बलिया है। जंग ए आजादी में सबसे रहा आगे, जो वीरों की धरती और शान यह बलिया है। बलिया के मंगल पांडे, बाघ और चितु पांडे, उनका भी जन्म स्थान यह बलिया है। लड़े गोरों के संग किए ऐसा ये जंग, लड़े गोरों के संग किए ऐसा ये जंग, वह सबसे ही पहले आजाद यह बलिया है, वह सबसे ही पहले आजाद यह बलिया है। जय हिंद जय भारत।